बिजली के संकट से जूझ रहे हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के बर्डन की वजह से हरियाणा में बिजली संकट गहरा गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि बिजली की कमी की झूठी समस्या पैदा करके सरकार औद्योगिक घरानों का फायदा देना चाहती है और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो उसका ठिकरा दिल्ली पर फोड़ देती है। सुशील गुप्ता का आरोप है कि सरकार बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है, जिसकी वजह से बिजली की कमी की बात कही जा रही है। बीजेपी की सरकार जो यहाँ पे रोजगार नहीं दे पा रही है, कानून व्यवस्था नहीं दे पा रही है, महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, किसान का ख्याल नहीं रख पा रही है और पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गया है। ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी। इन सब व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को लाएं, दिल्ली मॉडल लाएं, अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस को लेकर आए। सर, बिजली की समस्या है, कट पे कट है, तो उस पे कल बिजली मंत्री ने बयान दिया, दिल्ली का बर्डन। जब इनके पास कुछ चीज़ नहीं होती ना, कहते दिल्ली का बर्डन बढ़ रहा है। दिल्ली पहले कलकत्ता में थी, दिल्ली तो यहीं थी। जब गर्मी आते हैं इनके साथ ये हालात होती हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात करते हैं। ये अडानी और अंबानी के परिवार को बेनिफिट देने के लिए झूठा क्राइसिस बना रहे हैं ताकि सारा देश का पैसा और उनके पास जाए और बिजली के रेट बढ़ा के जनता के ऊपर मार पड़े। भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, काम होते ही नहीं है, बिल बन जाते हैं। ये ना स्कूल बना रहे, ना हॉस्पिटल बना रहे, सिर्फ इनके पार्टी के ऑफिस बना रहे हैं और अपनी कोठियाँ बना रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का जड़ है। सर, बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 26% बेरोजगारी भारत सरकार के हिसाब से हरियाणा के अंदर है, परंतु 18 से 28 वर्ग के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर सारे देश में सबसे ज़्यादा 14% आत्महत्या बेरोजगारी के कारण युवक कर रहा है। अभी तालू गाँव के अंदर एक युवक ने आत्महत्या की है, पर्चे लीक हो जाते हैं, बच्चा ओवरएज हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार है। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की भरमार। बता दें कि हरियाणा में शहरी इलाकों में 9 और गांव में से 12 घंटे के बिजली के कट लगे हैं। ऐसे में सरकारी महंगी बिजली खरीदकर बिजली संकट से उभरने में लगी है। दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का ये बयान उस समय सामने आया जब वो भिवानी में पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे थे। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।